हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सो इस क्वेश्चन में बोला ये है कि कॉलम ए दिए गए हैं हमें जिसमें कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज दिए हुए हैं एंड कॉलम बी में उनके प्रोसीजर्स दिए हुए हैं सो वी नीड टू मैच देम एंड करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है जहाँ पे आर्ट करेक्टली मैच किए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स जो उसके पास दिए गए हैं सो so, इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन दैट विल बी आर्ट दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नाउ इफ यू आर टू डिफाइन दिस प्रोसेस ऑफ आर्ट देन हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरह का इट इज अट ऑफ मेडिकल दैट हेल्प द इनफर्टाइल कपल्स टू कंसीव सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है सो एज टू कंसीव एंड टू प्रोड्यूस बेबीज एंड इसमें हो, जो होता है देर आर वेरियस प्रोसेस जो हम लोग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिचुएशन एंड केसेस लाइक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं गिफ्ट दट इज गिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आईसीएसआई दट इज नोन एज इंट्रोसाइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन जिफ्ट दैट इज आईपॉट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर और आई यू आई दैट इज इंट्रा यूट्रेन इन्सेनेशन सो इसमें इन विट्रो एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन बेसिकली होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं दैट इज नोन एज गिफ्ट सो गिफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि देर इज ट्रांसफर ऑफ ओवन फ्रॉम डोनर इन टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है कि गेमीट का इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र होता है सो so, हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें वीवो फर्टिलाइजेशन मैथड है सो वी कैन राइट इट इज़ बेसिकली इन वीवो फर्टिलाइजेशन मैथड जिसमें कि क्या होता है कि इन दिस केसेस हम लोग बोल सकते हैं ऐसे वाले केस में फ्यूजन ऑफ गेमीट जो होता है वो फीमेल के अंदर ही होता है एंड ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है इट इज़ यूज फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दो फीमेल्स वो कैन नॉट कंसीव सो अगर हम लोग गिफ्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है जैसे हम लोग बोले ट्रांसफर ऑफ ओवम होता है कलेक्टेड डोनर इन टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन लेकिन एक सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है सो so, इसीलिए हमारा ए का करेक्ट मैच हो जाएगा वन नाउ नेक्स्ट हमारा कौन सा है आई सी एस आई शन तो ये भी एक तरह का इन विवो फर्टिलाइजेशन मेथड है जिसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज प्रोसीजियर में इम्रियो बनाने के लिए लेबोरेटरी में स्पर्म जो होता है दैट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इंटू द Over में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ना नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं इसीलिए हमारा बी बी का करेक्ट मैच क्या हो जाएगा सो दैट विल एंड हेंस फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी दैट इज इजकॉट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर की सो जैकोट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर जो है दैट इज अ मेथड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सो वी कैन राइट ये इन विट्रो

जो इन्ग्रियोज का डिवीजन होता है उनको ही हम लोग जिप्ट के प्रोसेस से ट्रांसफर करते हैं सो so इसीलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सी का करेक्ट मैच क्या हो जाएगा फोर एंड लास्टली हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं डी दैट इज आई यू आई विच इज नोन एज इंट्रोयूटराइन इंसेमिनेशन सो इंट्रोयूटराइन इंसेमिनेशन इन विवो फर्टिलाइजेशन का टाइप है जिसमें क्या होता है कि सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम दी हजब और हेल्दी डोनर सो सीमेन जो है सबसे पहले कलेक्टेड होता है दैट इज कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डोनर एंड उसके बाद जो सीमेंट कलेक्ट हुआ है दैट इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इधर इंटू दी वजाइना या फिर इंटू यूटरस सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं डी का हमारा करेक्ट मैच क्या हो जाएगा दैट इज एंड हेन्स फ्रॉम यर वी कैन कंक्लूड की हमारा करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी हो पेव अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू